मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे तू अपने पति को नहला रही है या गधे को नहला रही है? ठीक से रगड़ना। जी रगड़ तो रही हूँ। क्यों जी, बाकारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है? अरे वो लफंगा अपने प्रोग्राम का दीवाना है और तू उसकी बांसुरी की दीवानी है। छोड़ो, पानी संगीत की दुनिया में बाकारा तानसेन की तरह महान है। अरे वो महान नहीं है, भुतनी का शैतान है। अगर मैं महारानी होती तो उसे इनाम में सोने की मोहरे देती, मुरली विभूषण का खिताब देती। अगर मैं महाराजा होता तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे लटका देता टिल डेथ। मैं देख रहा हूँ जब से तू मुझे साबुन लगा रही है उसकी तारीफें किए जा रही है। अरे वो शनि की तरह मेरे घर में घुस आया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बैठो जी, ठीक से लगा साबुन। मुरली की तान, मधुर तान। चमेलिया तुम कब आई? जब से तुमने बजाना शुरू किया। पाकरा, ये कौन सा रागा है? अनुरागा। इस अनुरागा का ताला कौन सा है? गोदरेज। मजबूत है। बहुत। पाकरा, एक बार फिर से बजाना बांसुरी। अभी लो चमेलिया। देखो ये भाई साहब पागल भैंसे की तरह चिल्ला रहा है, कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। तुम चली जाओ, अंदर चली जाओ चमेलिया। अलविदा, गुड बाय, शब खैर। भाड़ में जाए तेरा संगीत का पागलपन। अरे मुझे नहलाते नहलाते छोड़कर तू यहाँ चली आई? आप नहीं जानते जी बादाम वाली खीर में क्या मिठास होगी जो इनकी बांसुरी में है। जब ये बजाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद बांसुरी बनकर उड़कर इनके होठों से चिपक जाऊं। क्या उड़ान है? बात बन जाना, कम से कम खटिया बनाने के काम तो आएगी। अरे ऐसी कौन सी खास बात है इसकी बांसुरी में? मैं सिर्फ अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। हाँ भाई साहब, आप भी बजाना जानते हैं बांसुरी? इधर लाओ बांसुरी और फिर देखो मेरी बांसुरी का कमाल। अच्छा ये लाठी नहीं है, बांसुरी है। ये बांसुरी है, मुझे मालूम है ये बांसुरी है। अजी बस भी करो, पुलिस की सीटी तो ठीक से बजा नहीं सकते, बांसुरी के हाथ बजाओगे? सुबह अगर दोबारा हंसने की कोशिश की ना तो ये लंबा बांसुरा तेरे हलक में घुसेड़ दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।